जी मतलब वो और एक सवाल क्या है कि वो कि जैसे कह रहे कि तुम लोग अहले हदीस हो, कुरान और हदीस को मानते हो, तो जैसे 30 अल्लाह के रसूल ने तीन जो है 3 दिन बीते जो है क्या कहते हैं तरावी की तरावी नमाज। पढ़ाए पढ़ाए हैं, और तुम लोग 30 दिन क्यों पढ़ते हैं? क्या यह सही हदीस से साबित है? और जमात के साथ 30 दिन क्यों पढ़ते हो? क्या यह हदीस से साबित है? ये उसका सवाल है, ये पूछ रहे हैं। कहीं दूसरे के कंधे पे रख के तो नहीं चला रहे हैं आप? जी देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चंद दिन तरावी की नमाज जमात से पढ़ाई और सहाबे कराम की भीड़ होने लगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिलसिला मुनकते कर दिया और क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये तुम्हारे ऊपर वाजिब ना हो जाए, जी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, जब तक मौजूद थे तब तक शरीयत के अहकाम नाजिल होने का इम्कान है। अहकाम जो शरीयत के हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में वाजिब होंगे या सुन्नत होंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि ये वाजिब ना हो जाए। इसका मतलब एक सबब था। अब तो जी वो सबब नहीं है हमारे पास ना, नबी के पास तो वो सबब था, क्योंकि नबी की मौजूदगी में शरीयत नाजिल होने का इम्कान है, उनके बाद तो शरीयत नाजिल होने का इम्कान नहीं है। तो जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास सबब से उसको छोड़ा, ये नहीं कहा कि अब तुम लोग इसको मत पढ़ना। तो आपका 3 दिन पढ़ना ये सबूत के लिए काफी है, ठीक जी है? एक दिन भी आपका जमात से पढ़ना जमात से पढ़ने के सबूत के लिए काफी है। मजीद ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे किराम ने उसी पर अमल किया कि जमात से पढ़ा, तो ये सबूत के लिए काफी है।